स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम वर्ड। मैं दीपन कुमार एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ अपने टॉपिक का, अपने चैप्टर का अगला टॉपिक लेके। चैप्टर का नाम सॉलिड स्टेट और टॉपिक का नाम है, जो आज आपको टॉपिक पढ़ना है, इम्परफेक्शन इन सॉलिड। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बात करी थी डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल की। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल में हमने बात करी थी कि डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। उस हिसाब से हमने जो डेंसिटी का फॉर्मूला डेराइव किया था वो निकला था डी इक्वल जेड इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू एन ए। एन ए क्या था यहाँ पे, अवोगाड्रो नंबर था। बी फॉर डेंसिटी, जेड फॉर क्या था, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। एम क्या था, मास, मोलर मास ऑफ एटम। ए क्यूब क्या था, ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। एन ए क्या था, अवोगाड्रो नंबर। ये था हमारा डेंसिटी। अब डेंसिटी के बाद जो अपना टॉपिक है वो है इम्परफेक्शन इन सॉलिड। इम्परफेक्शन का मीन्स क्या होता है, इम्परफेक्शन का जो मीन्स होता है वो उसका मतलब होता है इरेगुलरिटी। और इरेगुलरिटी से एक वर्ड आया रेगुलरिटी का, रेगुलरिटी। जब किसी सॉलिड में उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, उनका अरेंजमेंट किस मैनर में हो, रेगुलर मैनर में हो, तो वो कहलाता है आइडल क्रिस्टल। लेकिन जब इनके रेगुलरिटी अरेंजमेंट में जो रेगुलरिटी है अगर वो ना आके कैसी हो गई, इरेगुलरिटीज हो गई, तो वो कैसे होते हैं, इम्परफेक्ट सॉलिड होते हैं। हमें इन्हीं की बात करनी है कि इम्परफेक्ट सॉलिड होते कैसे हैं, ये इम्परफेक्शन आता कैसे है। तो द डेविएशन इन द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल इज नोन एज इम्परफेक्शन इन सॉलिड, ठीक है। तो जब कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, उनके वे डेविएशन आ जाता है, तब क्या अकर होता है वहां पे, तब आता है इम्परफेक्शन अकर होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इम्परफेक्शन की, तो जनरली जो इम्परफेक्शन होता है या डिफेक्ट होता है, वो डिफेक्ट जनरली दो तरह का होता है। सबसे पहला डिफेक्ट होता है पॉइंट डिफेक्ट, और जो दूसरा होता है वो होता है लाइन डिफेक्ट। अगर मैं बात करूं पॉइंट डिफेक्ट की, तो ये पर्टिकुलरली लैटिस पॉइंट में आता है। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अकर्स इन लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट क्या होता है, जब हमने क्रिस्टल बनाया था, यूनिट सेल बनाई थी, तब हमने लैटिस की बात करी थी और लैटिस पॉइंट की बात करी थी। तो ये जो मैं रेगुलर अरेंजमेंट दिखा रहा हूँ, ये किसका है, ये लैटिस पॉइंट का रेगुलर अरेंजमेंट है। और इनको हम आपस में मैच करा के क्या बना लेते थे, हम यूनिट सेल का फॉर्मेशन कर देते थे इस तरह, ठीक है। तो लैटिस पॉइंट से मिलके क्या बना, यूनिट सेल बना। अब लैटिस पॉइंट में ही डिफेक्ट आ गया तो वो क्या हो जाएगा, उसे बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, लाइन डिफेक्ट आता है पूरी लाइन सेगमेंट के जो रेगुलर अरेंजमेंट है, अगर जैसे ये लाइन एक बनी थी, इन्हीं में लाइन में अगर क्या आ गया, इम्परफेक्शन आ गया, तो उसको, उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट आर द इरेगुलरिटीज फ्रॉम आइडल अरेंजमेंट इन इंटायर रो ऑफ लैटिस पॉइंट। इस लैटिस पॉइंट के इंटायर रो में अगर कोई डिफेक्ट आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक में कोई डिफेक्ट आ गया, तो उसको कहते हैं क्या, लाइन डिफेक्ट। पर्टिकुलरली एक पॉइंट पे आ गया अगर डिफेक्ट, तो उसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट हमें नहीं पढ़ना, हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट। तो जनरली अगर हम देखें टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट के, तो टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट जनरली आर थ्री टाइप्स, ए बी सी। ए है था स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। थर्ड है नॉन स्टोकियोमेट्रिक। तो जनरली ये तीन तरह के हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो होता है स्टोकियोमेट्रिक में क्या होता है कि दीज आर द पॉइंट डिफेक्ट्स दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोकियोमेट्रिक ऑफ द सॉलिड, जो सॉलिड की स्टोकियोमेट्रिक को डिस्टर्ब ना करे। मीन्स जितना उनमें आयंस है, मॉलिक्यूल्स है, एटम है, कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स है, वो कह रहे हैं उतने ही रहे, बस वहां से डिस्प्लेस हो जाएं, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएं, उनको क्या कहेंगे, हम कहेंगे उनको स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। मीन्स उनके जो रेशियो आएगा उनमें कोई चेंज नहीं होने वाला। तो अगर मैं बात करूँ स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट का, तो ये जनरली टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है वैकेंसी डिफेक्ट, जो सेकंड होता है उसको कहते हैं क्या, इंटरस्टिटियल डिफेक्ट
इंटरस्टिटियल डिफेक्ट, और इन दोनों को हम पढ़ेंगे किसमें, इन दोनों को हम पढ़ेंगे अगले दो टाइप जिनको कहते हैं क्या, पहला तो होता है क्या फ्रेंकल डिफेक्ट, दूसरा होता है क्या शॉर्ट की डिफेक्ट। तो बात करेंगे हम इसकी फ्रेंकल डिफेक्ट की। फ्रेंकल डिफेक्ट होता क्या है, फ्रेंकल डिफेक्ट दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज शोन इन द आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड्स में ये शो करता है। आयनिक कंपाउंड्स में जनरली होता क्या है, आयनिक कंपाउंड्स में जनरली दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो होता है कैटायन और एक होता है एन आयन। कैटायन को पॉजिटिव से दिखाते हैं, एन आयन को नेगेटिव से दिखाते हैं। अगर इनके साइज की बात करें तो जो कैटायन का साइज होता है वो साइज होता है स्मॉल साइज का होता है, स्मॉल साइज, और एन आयन की बात करें तो ये क्या होता है, बिगर इन साइज होता है, ठीक है, ये बिग साइज में होता है। अब ये डिफेक्ट आता कैसे है, जब उन लैटिस के अंदर, उस क्रिस्टल के अंदर, उस सॉलिड के अंदर अगर कैटायन और एनायन में, अगर कैटायन और एनायन में क्या हो जाए कि जो स्मॉल साइज होगा, क्योंकि इनके साइज क्या होंगे, बहुत ज्यादा स्मॉल होंगे कैटायन के साइज, तो ये क्या होंगे, अपनी जगह से हट जाएंगे और कहां चले जाएंगे, इंटरस्टिटियल स्पेस में चले जाएंगे, इंटरस्टिटियल स्पेस में। मैं बता रहा हूँ इंटरस्टिटियल स्पेस होता क्या है, जैसे अगर मैं बनाऊं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ये पॉजिटिव बनाया, यहाँ भी पॉजिटिव पॉजिटिव, ये एक तरह का आयनिक सॉलिड है जिनमें ये पॉजिटिव आयन है, और रेड से मैं बना रहा हूँ क्या, इनके नेगेटिव आयन जिनको बोलते हैं एनायन। तो ये हो गए एनायन जो कि कैटायन के बगल में ही है, क्योंकि प्लस और माइनस आयन के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। तो अब भी क्या है, ये आइडियल क्रिस्टल है, क्रिस्टल है, अब इसमें कोई भी क्या है, कोई भी डिफेक्ट नहीं है, आइडियल क्रिस्टल है, अभी कोई डिफेक्ट नहीं है, एकदम सब कुछ अरेंजमेंट है, जितने प्लस हैं उतने ही माइनस हैं, जितना जहां जिसको होना चाहिए सब बराबर है, बेस्ट है। लेकिन होगा क्या, क्योंकि इस टाइप के जो क्रिस्टल होते हैं इनमें क्या होता है, जो एनायन होते हैं, सॉरी जो कैटायन होते हैं, उनके साइज क्या हो जाते हैं, स्मॉलर हो जाते हैं, स्मॉलर होने की वजह से वो क्या होते हैं, अपनी जगह से क्या होते हैं, मिस हो जाते हैं। जैसे अगर मैं इस प्लस को क्या कर दूं, यहां से डिस्प्लेस कर दूं, और ये प्लस की जगह पे यहां पे क्या आ जाएगी, वैकेंसी आ जाएगी, और प्लस चार्ज इस स्पेस में आ गया, तो ये क्या है, ये इंटरस्टिटियल स्पेस में आ गया है, ये जो स्पेस बीच में छूट रहा है ये क्या है, इंटरस्टिटियल स्पेस है, और ये प्लस जो कैटायन यहाँ पे था, जिसको वहाँ पे लैटिस पॉइंट होना चाहिए था, वो वहाँ नहीं है, वो कहाँ चला गया, तो उस इंटरस्टिटियल स्पेस में चला गया है। तो अब ये आइडियल नहीं रह गया, ये क्या हो गया, इम्परफेक्ट हो गया, ये कैसा रह गया, इम्परफेक्ट हो गया, और इम्परफेक्ट में से ये कौन सा है, ये फ्रेंकल डिफेक्ट है। किसने शो किया था सबसे पहले इसको, फ्रेंकल ने, तो इसको बोल रहे हैं फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जो पॉजिटिव से है वो क्या है कैटायन है, जो नेगेटिव है वो क्या है एनायन है, और इस टाइप के जो क्रिस्टल होते हैं, इस टाइप के जो फ्रेंकल डिफेक्ट होता है, वो उसके एग्जांपल अगर लिखना चाहूँ तो जेड एन एस, पहला एग्जांपल क्या है इसका जेड एन एस, दूसरा एग्जांपल क्या है AgCl, ठीक है। इस टाइप के जो क्रिस्टल होते हैं, इस टाइप के जो सॉलिड होते हैं, वो इस फ्रेंकल डिफेक्ट शो करते हैं। यहाँ पे जेड एन किस में है, जेड एन प्लस टू में है, एस माइनस टू में है, ए जी प्लस में है, सी एल माइनस में है। तो ये क्या है, इनका अरेंजमेंट है जिनमें ये अरेंज होते हैं, और इनके साइज क्या होते हैं, इन दोनों के साइज क्या होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं, स्मॉल होते हैं, स्मॉल इन साइज, स्मॉल साइज के होते हैं, इस वजह से ये क्या करते हैं, डिफेक्ट शो करने लगते हैं। तो ये रही बात किसकी, फ्रेंकल डिफेक्ट की। अब जो अपना दूसरा डिफेक्ट है वो क्या है, शॉर्टकी डिफेक्ट, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। दूसरे नंबर पे है वो क्या है, शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है कि ये भी किसमें होता है, ये भी आयनिक क्रिस्टल में ही होता है, बस इसमें अंतर ये होता है
जो आयनिक क्रिस्टल में हो रहा था अब इसमें होगा क्या कि ये भी आयनिक आयनिक कंपाउंड में होगा। अब आयनिक कंपाउंड में होता क्या है, आयनिक कंपाउंड में दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। कैटायन कैसा पॉजिटिव, एनायन कैसा नेगेटिव। और यहाँ पे कैटायन की साइज क्या होगी और एनायन की साइज इनकी ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएगी, ऑलमोस्ट सिमिलर इन साइज हो जाएंगी। अब जब ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएंगे तो ये क्या करता है, शॉर्टकट इफेक्ट क्या करता है, वैकेंसी क्रिएट करता है, वैकेंसी क्रिएट करता है। वैकेंसी कैसे, अगर एक एक कैटायन अगर डिक्रीज हुआ तो एक एनायन भी क्या हो जाएगा, एक एनायन भी डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक 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 न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हैं। और इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए अगर एक कैटायन गायब हुआ तो एक एनायन भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर इन साइज में होते हैं। अगर मैं बात करूं कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव तो ये क्या हो गए, कैटायन हो गए। और ये क्या है, ये एनायन है रेड कलर से, जितने कैटायन उतने ही क्या एनायन। अभी ये क्या है, अभी ये परफेक्ट है, इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन होगा क्या कि अगर एक कैटायन गायब हो गया, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर इन साइज है तो एक एक ने एक डिस्प्लेस हो जाएगा, तो अगर एक डिस्प्लेस हुआ तो एक क्या हो जाएगा, उसी क्रिस्टल में उसी सॉलिड में क्या हो जाएगा, एक एनायनिक वैकेंसी भी क्रिएट हो जाएगी। अगर दूसरा कुछ गायब हुआ, दूसरा कैटायन गायब हुआ, तो वापस एक दूसरी जगह से क्या गायब हो जाएगा, एक एनायन फिर से गायब हो जाएगा। तो ये इस तरह में अब क्या हुआ, ये परफेक्ट नहीं बचा, ये क्या हो गया, इम्परफेक्ट हो गया। तो इस तरह के जो डिफेक्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इस तरह के डिफेक्ट शॉर्टकी डिफेक्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट कहलाते हैं। और अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, NaCl, KCl एटसेट्रा। ये इस टाइप के क्रिस्टल क्या करते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट शो करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले की बात करते हैं, जो तीसरा था अपना, तीसरा डिफेक्ट क्या था, इम्प्योरिटी डिफेक्ट था। तीसरा डिफेक्ट कौन सा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है भाई, जैसे एक किसी प्योर चीज में हम बाहर से कुछ अलग सा मटेरियल ऐड करा दे तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए इम्प्योरिटी हो जाएगा। इसी तरह क्या होगा, कोई सॉलिड क्रिस्टल है, अगर सॉलिड क्रिस्टल में उसके एनायन कैटायन की जगह कोई दूसरे मेटल के या दूसरे सॉलिड के एनायन कैटायन आ जाए तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटी हो जाएगा। तो हम बात करेंगे किसकी, सी नंबर की, जिसको कहते हैं क्या, इम्प्योरिटी डिफेक्ट में हम लेंगे, जैसे इसमें क्या होता है, इनमें आयन एक्सचेंज हो जाते हैं, आयन क्या हो गए, आयन एक्सचेंज हो जाएंगे। देखो एक एक जो ओरिजिनल सॉलिड है, ओरिजिनल क्रिस्टल है, उसके आयन दूसरे वाले क्रिस्टल से या फिर दूसरे किसी से क्या होंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। तो इनमें आयन एक्सचेंज की प्रोसेस होती है। अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लूँ, एग्जाम्पल NaCl का ले लेते हैं। NaCl में क्या होता है, Na प्लस में होता है और Cl माइनस में होता है। ये क्या होता है, ये कैटायन होता है और ये क्या होता है, एन आयन होता है। ठीक है, तो ये क्रिस्टल में कैसे अरेंज होंगे, एक कैटायन एक एनायन, एक कैटायन एक एनायन, फिर यहाँ कैटायन नीचे एनायन, एनायन के नीचे कैटायन, कैटायन नीचे एनायन, बस ऐसे ही अरेंज होंगे। चलो अरेंज कर लेते हैं, मैं Na प्लस को प्लस लिख रहा हूँ और Cl माइनस को क्या लिख रहा हूँ, माइनस लिख रहा हूँ। तो बस देखते चलना मेरे साथ में, बिल्कुल सिंपल सा है। ये क्या है, एक क्रिस्टल है जिसमें NaCl का क्रिस्टल बनाया मैंने, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एन आयन है। अभी ये क्या है, परफेक्ट है, हर जगह Na प्लस और Cl माइनस ही है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक Na प्लस को एक्सचेंज करा रहा हूँ किससे, स्ट्रॉन्शियम प्लस टू आयन से, क्योंकि एक प्लस है यहाँ पे दो प्लस है, तो हमें कितने, दो Na प्लस को गायब करना पड़ेगा, जब हमारा क्या आएगा, एक Sr प्लस टू आएगा, स्ट्रॉन्शियम प्लस टू आएगा। तो सपोज मैंने इस जगह पे क्या किया, मैंने स्ट्रॉन्शियम को ऐड करा दिया,
तो क्योंकि स्ट्रॉन्शियम तो एक ही आया है लेकिन सोडियम क्या कर रहे हैं, दो गए हैं, तो इसलिए एक जगह और क्या हो जाएगा, एक जगह क्या हो जाएगी, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो ये क्या है, ये क्या हो गई यहाँ पे, वैकेंसी क्रिएट हो गई, और ये क्या हो गई यहाँ पे, यहाँ पे क्या आ गया, इम्प्योरिटी ऐड हो गया। तो ये क्या है, इम्प्योरिटी आ गई। तो इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं क्या, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो है उसको है, वो है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है कि इसमें जो रेशियो होता है, जो मेटल आयंस का रेशियो होता है, एनायन कैटायन का रेशियो होता है, रेशियो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। दैट मींस इसमें स्टोकियोमेट्रिक में क्या होगा, रेशियो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। मींस क्या होगा, हो सकता है कि एक कैटायन और एनायन, इनकी जगह क्या आ जाए, कोई सा फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाए, क्या आ जाए, कोई सा भी फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो ये जनरली दो तरह का होता है, ये जनरली कितने तरह का, दो तरह का होता है। एक तो होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और एक होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो होता क्या है, जब कैटायन और एनायन के साथ साथ इसमें क्या आ जाता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाता है, कैटायन और एनायन के साथ साथ इसमें क्या आ जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो इस टाइप का क्या होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहलाता है। जैसे अगर मैं बनाऊं यहाँ पे, तो क्या होगा कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, आप डिफरेंट कलर से बनाना चाहें तो बना लीजिएगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अभी क्या है, परफेक्ट है, बट हुआ क्या कि यहाँ पे इसके इंटरस्टिशियल साइड पे क्या हो गया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये क्या कहलाएगा, इसमें क्या हो गई है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया, किसी दूसरे का क्या आ गया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो वो क्या कर रहा है, एक्सेस बढ़ा रहा है। जब एक्सेस बढ़ा रहा है तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और नंबर ऑफ कैटायन और एनायन जितने आएंगे वो रहेंगे, उनके अलावा क्या आ जा रहा है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है, किसी मेटल का फ्री इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है, तो वो क्या है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। अगर मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, जितने नंबर ऑफ कैटायन और एनायन होने चाहिए थे, जिन रेशियो में होने चाहिए थे, तो कैटायन और एनायन क्या हो जाएंगे, इनका रेशियो कम जाएगा, और जब रेशियो कम जाएगा तो इसको बोलेंगे क्या, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बस अपने जो लेक्चर बचे हैं, टॉपिक बचे हैं, वो कितने बचे हैं, नॉर्मल से टॉपिक बचे हैं, जिसके अंदर पहला टॉपिक आएगा वो क्या आएगा इसका, एन पी टाइप सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर, इनकी बात करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे। बस इतनी बात करनी है, यही दो टॉपिक रह गए हैं। अगर कोई और टॉपिक छूट रहा होगा तो मैं रिमाइंड कर लूँगा, देख लूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू लाइक इट। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लिया जाए, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मुझे पता चलेगा कि वीडियो अच्छी लग, अगर नहीं, अगर मुझे ये पता ही नहीं चल रहा कि आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही, तो मैं अपने में कुछ करेक्शन कैसे करूँगा। तो प्लीज़ मेरे लिए फीडबैक ज़रूर छोड़ें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बच के रहें। थैंक यू वेरी मच।